हेलो रिवन दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर का या फिर आप सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हो तो अपना सब्जेक्ट चूज़ आप जल्द से जल्द कर लीजिए। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों से खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह वो ऑप्शन हटा दिया गया था आपके डैशबोर्ड से और अब वापसी वो ऑप्शन शो हो रहा है। तो प्लीज़ जल्दी उस ऑप्शन पर जाकर अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए जिन बच्चों ने नहीं करे हैं, क्योंकि इसमें फ़ीस तो आपको भरनी नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो अगर ये टाइम वापसी निकल गया तो आप असाइनमेंट नहीं दे पाओगे फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों। तो बेटर है कि जल्द से जल्द अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। और जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है, आपके अगर फ्रेंड्स हैं उनको ये बात नहीं पता है, तो उनको बता दीजिए कि सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। तो बेटर है दोस्तों कि किसी का एग्ज़ाम नहीं छूट जाए इन फ्यूचर में, तो इससे अच्छा है कि आपको उसको इन्फॉर्म कर दो कि यार सब्जेक्ट चूज़ करने हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को डैशबोर्ड से जाकर। तो वो काम आप कर दीजिए। जिन बच्चों ने चूज़ कर लिया है वो शांत रहें, उनको आगे आप कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट का वेट करिए, या फिर अगर सेकंड सेमेस्टर के हों तो अपनी ऑफिशियल एग्ज़ाम अपडेट का वेट करिए। और सेकंड सेमेस्टर की फ़िलहाल लास्ट डेट नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। और फोर्थ सेमेस्टर की 20 जून लास्ट डेट थी, बट स्टिल डैशबोर्ड में अभी भी दोबारा ऑप्शन शो हो चुका है। तो जिन भी बच्चों ने अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा है, एग्जामिनेशन फॉर्म से मेरा मतलब है सब्जेक्ट चूज़ करने वाला फॉर्म, वो फॉर्म अगर आपने नहीं फिल किया है तो जल्द से जल्द जाकर फिल कर दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपने सब्जेक्ट चेंज किए थे और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं आपके डैशबोर्ड में, तो आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है। चेंज आपने कर लिया है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लिए। हो सकता है 3-4 दिन आपने ऑलरेडी वेट कर लिया होगा, बट स्टिल थोड़ा सा और वेट करिए, आपके डैशबोर्ड में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो आपने चेंजेस किए हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताने आया था कि जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिए। यार इसमें फ़ीस तो नहीं है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? तो बताइए अपने दोस्तों को भी जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया। थैंक यू।